अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलवा और आप देख रहे हैं कुक विद सलवा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजे की और बहुत ही आसान ईद स्पेशल पाइनएप्पल डिलाइट रेसिपी। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आधा कप हमें ठंडी फ्रेश क्रीम चाहिए और एक कप हमें ठंडी व्हिपिंग क्रीम चाहिए। हसबे जरूरत हमें बिस्किट चाहिए, मैं मैरी बिस्किट यूज कर रही हूँ। हसबे जरूरत हमें दूध चाहिए। लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट हमें चॉप किया हुआ पाइनएप्पल चाहिए। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में क्रीम ऐड करेंगे और उसे अच्छे से बीट कर लेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। वैसे ये आपकी क्रीम पे डिपेंड करता है कि ये कितने मिनट्स में रेडी होगी। हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो चुकी है, अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अब हम इसको दोबारा 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। फ्रेश क्रीम इसमें ऐड करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें एक रिच सा फ्लेवर देती है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप चीज क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, हमारी क्रीम अच्छे से रेडी हो चुकी है। मैं पाइपिंग बैग यूज कर रही हूँ, आप इसको नॉर्मली भी स्प्रेड कर सकते हैं। आप कोई सा भी सर्विंग डिश ले लें, इवन आप ग्लासेस भी यूज कर सकते हैं। मैं एक सर्विंग डिश यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें बिस्किट दूध में डिप कर करके फर्स्ट लेयर लगा लेंगे। और अब हम इसमें दूसरी लेयर क्रीम घी लगाएंगे। सो नाउ फाइनली हम इसके ऊपर चॉप किया हुआ पाइनएप्पल ऐड करेंगे। और अब हम इसमें थोड़े से क्रश किए हुए बिस्किट्स ऐड करेंगे। मैं इसमें बिस्किट्स यूज कर रही हूँ, आप इसमें केक भी यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह हम सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए सेकेंड लेयर भी रेडी कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे।
तो जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मजे का पाइनएप्पल डिलाइट रेडी है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट। अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद सर्व कर लें। हमारा बहुत ही मजे का डिलाइट रेडी है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत मजे का है, ठंडा ठंडा है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। हमने इसको रात में ही रेडी कर लिया था, लेकिन हम इसको खा नहीं सकते थे क्योंकि हमें रोजा था। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर लिया है। अब मैं आपको इसको खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज एंड एडवांस में ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू।